मैं हूं सौरभ, सोनिम टाइम्स में आपका स्वागत है। सिंगवारा थाना के कोरा गांव में छापेमारी कर सिंगवारा थाना की पुलिस ने 50 लीटर गुड़ की समेत 2 लीटर चुराए सांप बरामद की है, जिसको लेकर सिंगवारा थाना में कांड संख्या 7321 दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी स्वर्गीय बुद्धन राम के पुत्र भुल्ला राम और भुल्ला राम के पुत्र प्रमोद राम के खिलाफ दर्ज की गई है। शराब बरामदगी के बाद से भुल्ला राम और प्रमोद राम फरार है, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सिंगवारा थाना प्रभारी अमित कुमार, सहायक अवर निरीक्षक दिनेश कुमार दिवाकर, पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र प्रसाद सिंह एवं सशस्त्र बल के गृह रक्षक सिपाही बिंदेश्वर यादव, योगेंद्र झा और घीना राम के साथ करीब 2 बजे कोरा गांव स्थित भुल्ला राम के घर पुलिस पहुंची। पुलिस बल को देखकर 2 व्यक्ति घर के पिछवाड़े के तरफ से भाग गए। कोरा गांव पहुंचने पर भुल्ला राम के घर में जब सिंगवारा थाना की पुलिस ने छापेमारी की तो तलाशी के दौरान चापाकल के पास पुलिस पहुंचते ही दंग रह गई। पुलिस ने देखा कि वहां एक ब्लू रंग के प्लास्टिक के डब्बे में 30 लीटर गुड़ की और एक बड़े बर्तन में 20 लीटर करीब गुड़ की रखी हुई है। बड़े ब्लू रंग के ड्रम से बरामद 30 लीटर और एल्युमिनियम के तसले से बरामद 20 लीटर कुछ कुल 50 लीटर अर्धनिर्मित गुड़की में से पुलिस ने 1 लीटर नमूना के लिए जब्त कर शेष अर्धनिर्मित कच्चा शराब को घटनास्थल पर ही बहाकर विलिष्ट कर दिया। साथ ही साथ वहीं पर बगल में एक एल्युमिनियम का तसला जिसका पेंदी कटा हुआ मिला, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया। घर की तलाशी लेने पर बक्सा के पीछे से 2 लीटर देसी चुलाई शराब भी पुलिस को मिला। बरामद सभी प्रदर्श को विधिवत जब्ती सूची बनाकर थाना द्वारा जब्त किया गया। उपस्थित ग्रामीणों से जब्ती सूची का साक्षी बनने को कहा, परंतु कोई भी शराब कारोबारी भुल्ला राम एवं प्रमोद राम के डर से गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात साथ के सिपाही को जब्ती सूची का साक्षी बनाया। पुलिस के जाते ही भुल्ला राम वहां पर वापस पहुंचा। हमारे पास जो वीडियो आया, उस वीडियो में भुल्ला राम कुर्सी पर बैठा पुलिस को गाली गलौज करता दिख रहा है। आप भी सुने उसने क्या क्या कहा। सवाल कहीं है, शराबबंदी में के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद भी सिंगवारा थाना क्षेत्र में भुल्ला राम खुलेआम देसी शराब का धंधा कर रहा था। बाप और बेटे ने ऐसा माहौल खड़ा किया कि पूरा गांव दहशत में था। तभी तो पुलिस के द्वारा गवाही के लिए जब गांव वालों को कहा गया तो भुल्ला राम के डर से किसी ने गवाही नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों, भुल्ला राम और प्रमोद राम जैसे शराब कारोबारियों को आखिर सह कौन देता है। बता दें कि बीते 2 महीनों में जहरीली शराब पीने से बिहार में सैकड़ों मौतें हो चुकी है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। यह शराब जहरीली है या नहीं, इसकी रिपोर्ट, जांच का रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर यह शराब का जो नमूना पुलिस ने लिया है उस नमूने से रिपोर्ट क्या आता है। अगर यह शराब जहरीली निकली तो सोचे कितनी बड़ी साजिश थी कि जहरीली शराब को पिलाकर कितने गांव वालों की मौत हो सकती थी। फिर भी भुल्ला राम जैसे कारोबारी चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खेलने का हिम्मत करते हैं। सवाल कई है, भुल्ला राम के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर ही सिंगवारा प्रमुख का घर है, जो कोरा गांव में ही है। सिंगवारा प्रमुख का घर बगल में होते हुए भी बगल में इस तरह का कारोबार आखिर सिंगवारा प्रमुख की नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है। नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए दरभंगा SSP के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने के लिए स्वर्णिम टाइम्स ने भी मुहिम चलाई। इसी मुहिम के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दी गई, जिस सूचना के द्वारा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की।
स्वर्णिम टाइम्स आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि इसी तरह नशा कारोबारियों के खिलाफ मुहिम में साथ दें और जहां भी नशा कारोबार होता है उसकी सूचना हमारे द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर दें या नज़दीकी थाना को फोन कर सूचित करें। साथ ही साथ स्क्रीन पर भुल्ला राम और प्रमोद राम जो 7321 कांड संख्या सिंहवाड़ा थाना के फरार अभियुक्त हैं उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है। आपको यह दोनों शख्स जहां भी मिले इसकी सूचना पुलिस को दें या इसे पकड़कर पुलिस के हवाले करें ताकि शराब कारोबारियों को पनपने का मौका नहीं मिल सके और नशामुक्त समाज का निर्माण हो सके। अगर भुल्ला राम और प्रमोद राम जैसे फरार अभियुक्त को कोई शरण देता है, अपने यहाँ सोने देता है या उसका साथ देता है तो वह भी गुनहगार होगा। दरभंगा SSP बाबू राम ने भी साफ तौर पर कहा है कि नशा कारोबारी और नशा कारोबारियों को साथ देने वाला बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए समय रहते इन दोनों को पुलिस के हवाले करें या दिखने पर पुलिस को सूचित करें। सिंहवाड़ा थाना और दरभंगा पुलिस नशा मुक्त एवं स्वच्छ समाज निर्माण के लिए 24 घंटे तत्पर है। पुलिस जो है नशा मुक्ति के लिए हर स्तर पर काम करने के लिए हमेशा तत्पर है। यहाँ तक कि लॉकडाउन से ठीक पहले 3 महीने तक हम लोगों ने गांव-गांव जाकर काफ़ी काम किया था। इसमें पूरे जिला में नशा मुक्ति जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। जैसे मान लीजिए कोई नशा के कारोबारी हैं या नशा बेचते हैं या नशा करते हैं, वैसे लोग उन लोगों को गालियां तक देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, इसके लिए वो मोहल्ले वाले लोग क्या करें? थाना SDPO CTSP SSP से लेकर हमारे जितने वरीय पदाधिकारी हैं किसी भी स्तर पर दी जा सकती है। हालाँकि मैं तो ये अपील करूँगा कि हम लोगों को डायरेक्ट सूचना दी जाए और बहुत अच्छा होगा कि अगर व्हाट्सएप के माध्यम से लोकेशन वगैरह नेम एड्रेस के साथ और अगर कोई फ़ोटो वोटो भी उपलब्ध हो, जितनी ज़्यादा सूचना व्हाट्सएप पे आ सकती है वो कॉल करके बता पाना संभव नहीं हो पाता है। और जो व्हाट्सएप पे सूचना आती है वो हमेशा के लिए वो बनी रहती है, उसको ट्रैक किया जा सकता है कि उस पर हमने क्या कार्रवाई की है। तो मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दें और सूचना देने के चंद ही घंटे के अंदर हम लोग कार्रवाई करते हैं। मैक्सिमम होता है कि 1 से 2 घंटा, अदरवाइज़ 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर हम लोग कार्रवाई करते हैं।